चीन ने उइगर मुस्लिमों को देशभक्त और वफादार बनाने के लिए विशेष ट्रांसफॉर्मेशन कैंप खोले हैं। ये कैंप उइगर मुसलमानों को चीन की सरकार और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार बनाने के लिए खोले गए हैं। इसमें अल्पसंख्यक मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़कर लाया जा रहा है और कम से कम 2 महीने तक रखकर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बारे में सरकार का कहना है कि यहाँ चीनी भाषा सीखने, कानून की पढ़ाई और रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का कहना है कि सरकार उइगर मुसलमानों की सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने के लिए उन पर जबरन अत्याचार कर रही है। बता दें, चीन में तकरीबन 2.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जिसमें लगभग 1 करोड़ उइगर मुस्लिम शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। उइगर मुसलमानों के विद्रोही तेवरों के चलते उनकी अधिकांश धार्मिक स्वतंत्रता पर चीनी सरकार ने अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। नवोदय टाइम्स ब्यूरो की रिपोर्ट।